स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज इस लेक्चर नंबर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स आप जानेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजर ने उस इंसान से छुटकारा पाया जो अचानक से शाम के समय, जब उसके काम को बंद करने का समय था, आकर सामने खड़ा हो गया। उस अजनबी द्वारा विवश किए जाने पर एस्ट्रोलॉजर ने मजबूरी में उसका हाथ देखना शुरू किया और उसके चैलेंजेस को स्वीकार किया। हालांकि एस्ट्रोलॉजर बहुत घबराया हुआ था, उसने उस अजनबी के चेहरे को जब उसने अपनी चिलम जलाई और तो माचिस की रोशनी में उसने उसको देखा और देखकर वह सहम गया। उसको ये दिखावा करते हुए कि वह बहुत बड़ा हाथ देखने वाला है, उसने प्रार्थना के स्टाइल में कुछ शब्द बोले और उसके बाद उसका हाथ अलट पलट कर वह देखने लगा। उसके बाद उसने अपनी वही पुरानी बातें दोहरानी शुरू की कि कोई ऐसी स्त्री है और स्त्री के बारे में वो पुरानी बातें कि जो तुम्हारी दूर के रिश्तेदार है। इस पर उसको डांट दिया गया एस्ट्रोलॉजर स्ट्रेंजर द्वारा, तो वह घबरा गया। आइए देखते हैं इस लेक्चर 3 में स्ट्रेंजर ने उसको क्या बोला और इसके जवाब में एस्ट्रोलॉजर ने उससे क्या कहा। एस्ट्रोलॉजर ने स्ट्रेंजर ने सीधे से उसको धमकाया और बोला, रुको, कुछ काम की बात बताओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ कि जिस खोज में मैं जा रहा हूँ, क्या मैं उसमें सफल हो पाऊंगा कि नहीं, और अगर तुमने मेरे सही सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें ये सारे सिक्के बिल्कुल भी नहीं हड़पने दूंगा। इस बात पर एस्ट्रोलॉजर बड़बड़ाया और उसने कुछ ऐसे मंत्रोच्चार करने की कोशिश की जैसे मानो वह कुछ पढ़ रहा हो। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं 1 रुपया चार्ज करूँगा बजाय 3 पैसे के, और जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है? वरना मैं अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद फिर दोबारा से हैगलिंग शुरू हो गई, दोबारा से मोल भाव शुरू हो गया और दूसरा अर्थात स्ट्रेंजर राजी हो गया। अब एस्ट्रोलॉजर ने एक धमाकेदार जवाब उसके सामने दिया, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें मौत के मुंह में डालकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ? इस बात पर स्ट्रेंजर ने कहा, हाँ, मुझे आगे और बताओ। फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा, तुम्हारे एक चाकू खोपा गया था। इस बात को सुनकर के स्ट्रेंजर ने कहा, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और वह तुम्हारे सीने पर एक जख्म छोड़ गया है। उसने कहा, आगे और बताओ। स्ट्रेंजर ने कहा, आगे और बताओ। और उसके बाद तुम्हें कुएं में धक्का दे दिया गया था और तुम्हें मरने के लिए उसके अंदर छोड़ दिया गया था, एस्ट्रोलॉजर ने आगे बताया। इस पर बहुत अधिक उत्सुक होकर के और प्रसन्न होते हुए स्ट्रेंजर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो मरने के लिए छोड़ ही गया था। अगर कोई एक अजनबी व्यक्ति मेरे कुएं के अंदर झांक कर नहीं देखता तो मैं तो बिल्कुल मर ही गया था। और ऐसा जवाब सुनकर के वह बहुत ही प्रफुल्लित था, स्ट्रेंजर बहुत ज़्यादा खुश था। उसने आगे बोलना शुरू किया कि मैं उसे कब पकड़ लूँगा, मेरा पर्पज़ उसको पकड़ने का है और मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। इस पर तुरंत एस्ट्रोलॉजर ने बड़ी वाक चातुर्य के साथ जवाब दिया कि अब तुम उसको अगले संसार में ही पकड़ पाओगे। स्टूडेंट्स, इसका नाम हमने इन्फॉर्मेशन रखा है क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर स्ट्रेंजर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसने एस्ट्रोलॉजर ने स्ट्रेंजर को बताया कि वह तो 4 महीने पहले मर चुका है और काफ़ी दूर दराज के गांव में वह मरा है, अब तुम उससे दोबारा नहीं मिल पाओगे जिसने तुम्हारे ऊपर चाकू चलाया था और तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इसके ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से वह स्ट्रेंजर गुर्राता है। और आगे एस्ट्रोलॉजर अपनी बात ये कहते हुए जारी रखता है, गुरु नायक, क्या बात समझ रहे हो? इसे सुनते ही जैसे मानो उस स्ट्रेंजर के ऊपर बिजली जैसा शॉक लगता है और वो कहता है, क्या तुम मेरा नाम भी जानते हो? इस पर एस्ट्रोलॉजर ने काफी अपने आप को शो ऑफ करते हुए कहा कि हम क्या नहीं जानते, तुम्हारा जो गांव है, यहाँ से 2 दिन की यात्रा करने के बाद यहाँ से आता है, तुम्हारा गांव दूर है, ऐसा है अब यहाँ से नई ट्रेन पकड़ो और तुरंत अपने गांव के लिए रवाना हो जाओ, वरना तुम अपने जीवन को दोबारा खतरे में डालोगे। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे क्या सजेशन देता है एस्ट्रोलॉजर स्ट्रेंजर को उसे छुटकारा पाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है। वह उससे कहता है कि दोबारा इस दिशा में मत आना क्योंकि तुम्हारा जीवन इस समय बहुत खतरे में है और अब तुम ये तलाश छोड़ करके वापस अपने गाँव चले जाओ।
एस्ट्रोलॉजर एक पवित्र राख की चुटकी उठा करके उसके माथे पर रगड़ता है और उसके बाद बोलता है, नेवर ट्रेवल साउथ वार्ड अगेन, इस साउथ दिशा में दोबारा से यात्रा मत करना। आगे वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है कि मैं घर क्यों जाऊं। तभी दूसरे ने बड़े सोचते हुए अर्थात स्ट्रेंजर ने सोचते हुए जवाब दिया, मैं तो उसको तलाश करना चाहता हूं और उसने कहा कि मैं वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं घर छोड़कर क्या करूंगा, मैं तो उस आदमी की तलाश में था और वह मर गया है, आखिर वह मरना तो मेरे हाथ से ही चाहिए था। स्ट्रेंजर बहुत गुस्से में था, वह मेरे हाथों से बच गया और अपने आप ही मर गया, अच्छा नहीं हुआ, और वह मेरे हाथों से मरना ही डिजर्व करता था। यह बात स्ट्रेंजर ने बड़ी तेजी के साथ कही। इस पर एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि वह एक लॉरी के नीचे आकर कुचलकर मर गया है, अब तुम्हें उसकी तलाश करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने घर सुरक्षित पहुंचो और दोबारा इधर मत आना। इसके बाद स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजर अपने घर पर चलने की तैयारी शुरू करता है और वह स्थान पूरी तरह से डेजर्टेड हो चुका है, वहां पर कोई नहीं है, वह अकेला है, अंधेरा है। उसने अपने बैग में अपने सारे सामान को बांधा, ग्रीन शेफ्ट भी अब वहां पर जो रोशनी थी वो भी जा चुकी थी। स्ट्रेंजर वहां से चला गया और जितने भी सिक्के उसने दिए थे उसने सब अपने पास हाथ में लिए और बांध कर रख लिए। स्टूडेंट्स लगभग आधी रात हो चुकी थी जब वह घर पर पहुंचा, उसकी पत्नी उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उस जब घर पर पहुंचा तो उसने वह सिक्कों की पोटली अपनी पत्नी की तरफ उछाल दी और बोला कि जाओ जरा इन्हें गिनो, 12 and a half आना, शी सेड काउंटिंग। उसने काउंटिंग करके कहा कि ये लगभग 12 and a half आना है। इस पर वह बहुत ज़्यादा खुश थी और वह इमेजिन कर रही थी कि कल वह गुड़ लाएगी और नया कल कुछ खाना बनाएगी, क्योंकि उसके बच्चा उसे मिठाई बनाने के लिए कह रहा था और वह इस कार्य को कल अवश्य करेगी। तभी उसने एस्ट्रोलॉजर ने उस स्ट्रेंजर को गाली दी और कहा, फिर धोखा दे गया वह मुझको। और इस ये देख करके अचानक से उसकी पत्नी ने अपने पति के चेहरे पर आने वाले भावों को महसूस किया और पूछा, क्यों कोई दिक्कत है, आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, क्या गलत हुआ है। एस्ट्रोलॉजर ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। जब खाना खा लिया और वह चारपाई पर लेटा एस्ट्रोलॉजर तो उसने बताया, क्या तुम जानती हो कि आज मेरे माइंड से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका है। मैंने सोचा था कि गलती से जब मैं लड़कपन में था मेरे से एक कत्ल हो गया था 3 साल पहले, और यही वजह थी कि मैं घर छोड़कर भाग आया था और यहाँ अनजान शहर में आकर मैंने अपना काम शुरू किया और तुमसे शादी की थी। आज मैंने देखा कि वह आदमी मेरे सामने आ गया और वह जीवित है, और उसको जीवित देखकर आज मेरा मन शांत हुआ, उसने लंबी सांस लेकर कहा। इस पर पत्नी का हैरत का ठिकाना ना रहा, पत्नी ने पूछा, क्या आपने कत्ल किया था। इस पर उसने कहा, हाँ गांव में जब मैं एक बहुत ही उद्दंडी लड़का था, हम शराब पिया करते थे, अपने दोस्तों के साथ जुआ खेला करते थे और बुरी तरह से लड़ते थे। चलो छोड़ो अब इसका क्या सोचना, सोने का समय हो गया है, और आइए, उसने जवाही लेते हुए कहा और अपने आप को चारपाई पर फैला लिया और सोने के लिए तैयार हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने स्टोरी में देखा कि स्टोरी के अंदर एक मैसेज है कि स्ट्रेंजर की ये सारी एक्टिविटीज़ लड़कपन की अर्थहीन सोच की वजह से थी, और इस आयु में जो बच्चे होते हैं वह विचारशील नहीं होते, विचारहीनता का कारण था कि वह इतनी परेशानी में फंस गया और वह कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो स्टूडेंट्स हमें अपने जीवन को एक सही रास्ते पर लेकर के चलना चाहिए, ये राइटर का संदेश है, और हमें हमेशा विचारशील और तर्कपूर्ण कार्य करने चाहिए। स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ अगर ये आपको अच्छे से समझ में आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल देने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे आपके अपने चैनल को और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स।